तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके फिट एंड मैकेनिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एनसीएल ने एक और दोस्तों न्यू रिक्रूटमेंट जो है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए जारी किया है। दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए अप्रेंटिसशिप पदों पर जो है जारी किया गया है। दोस्तों आप जानते हैं एनसीएल एक कोयले का उत्पादन करने वाली भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है। दोस्तों आइए हम इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं कि आपको जो दोस्तों इसमें कैसे अप्लाई करना है और दोस्तों इसमें जो है क्या क्या एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो जैसा कि मेंशन किया गया है, एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड दोस्तों ये एक मिनी रत्न कंपनी है जो भारत सरकार के अधीन आती है। तो दोस्तों इसमें जो है मेंशन किया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु हैव पास्ड आईटीआई एग्ज़ाम फ्रॉम यूपी और एमपी बेस्ड इंस्टीट्यूट ओनली। तो दोस्तों इसमें क्लियर मेंशन किया गया है संस्था ने कि यदि आप अपना आईटीआई पास आउट यूपी और एमपी के इंस्टीट्यूट से कर रखे हैं, यदि आप यूपी और एमपी के इंस्टीट्यूट से जो है अपना आईटीआई पास आउट कर रखे हैं तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो डजंट मैटर, लेकिन आपका जो इंस्टीट्यूट है वो एमपी और यूपी से यदि आप अपना आईटीआई पास आउट कर रखे हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से यदि आप अपना आईटीआई पास आउट कर रखे हैं तो आप इसमें जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों ये जो अप्रेंटिसशिप है ये 1960 एक्ट के तहत जो है भारत सरकार द्वारा आईटीआई पास आउट जो छात्र हैं उनके लिए दोस्तों ये करवाई जाती है। दोस्तों एनसीएल से अप्रेंटिसशिप करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। दोस्तों अभी इसमें हाल ही में कुछ टाइम पहले एक रिक्रूटमेंट जारी हुआ था दोस्तों, तो इसमें जो है एनएसी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो है मांगा गया था। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा बेनिफिट है दोस्तों, आपको यहाँ से दोस्तों अप्रेंटिसशिप जो है करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों और देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यदि आप वेल्डर से आईटीआई पास आउट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप फिटर से आईटीआई पास आउट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई पास आउट हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप मोटर मैकेनिक से आईटीआई पास आउट हैं तब भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ये एमपी के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में जो है इसकी संस्था है। और दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि इसमें मेंशन किया गया है दोस्तों क्लियरली, फॉर ऑल ट्रेड्स द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड सेल बी फ्रॉम एनसीवीटी मतलब नेशनल सर्टिफिकेट वोकेशनल ट्रेनिंग और एससीवीटी मतलब स्टेट सर्टिफिकेट वोकेशनल ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज्ड यूपी और एमपी बेस्ड इंस्टीट्यूट ओनली अस अ फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन रिलेवेंट ट्रेड विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल। आपके जो जनरल से है जो हैं यदि कैंडिडेट हैं उनके जो है आईटीआई में 50% मार्क्स के साथ जो है इसमें पास आउट होना चाहिए एंड ओबीसी कैंडिडेट्स एंड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन कास्ट ऑफ एससी एसटी। तो दोस्तों इसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स के साथ आप पास आउट होना चाहिए एंड एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 45% के साथ जो है इसमें आईटीआई आप पास आउट होना चाहिए। दोस्तों इसमें कट ऑफ डेट की बात की है, द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एज ईटीसी। तो दोस्तों इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि आपकी जो एज है वो 30 जून 2021 से जो है आपकी एज जो है कैलकुलेट की जाएगी इसमें दोस्तों जो बताया गया है। दोस्तों नीचे इसमें दिया गया है कि मिनिमम सिक्स ईयर एंड मैक्सिमम 24 ईयर। तो दोस्तों आपकी जो है मिनिमम एज इसमें अप्लाई करने के लिए 16 साल दोस्तों रखी गई है और मैक्सिमम एज जो है इसमें 24 ईयर आपकी रखी गई है जो दोस्तों 30 जून 2021 से जो है आपकी इसमें एज कैलकुलेट की जाएगी। दोस्तों आपकी जो मिनिमम एज है वो 16 ईयर रखी गई है, 16 साल आपकी न्यूनतम आयु होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है आपकी 24 ईयर, आपकी जो अधिकतम आयु है वो 24 वर्ष जो है आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। दोस्तों इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा एज को, आप 5 ईयर का एज का आपको जो रिलैक्सेशन इसमें आरक्षण जो है इसमें दिया जाएगा एससी एसटी कैंडिडेट्स को दोस्तों, और दोस्तों ओबीसी को इसमें 3 ईयर का जो है जो इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, एन एप्लीकेंट हैज़ टू रेगुलर ऑनलाइन ऑन डीजीईटी वेबसाइट्स
www.apprenticeshipindia। दोस्तों इसमें जो है आपको क्लियर बताया गया है कि आपका दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन है नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर दोस्तों होना चाहिए। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, यदि आप जो है ITI पास आउट कर रखे हैं और आपका रजिस्ट्रेशन जो है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर नहीं हुआ है तो दोस्तों अभी जाके जो है अपना रजिस्ट्रेशन आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर कीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है लगभग 3 स्टेप में जो है आपका ऑनलाइन प्रोसेस जो है कंप्लीट रहने वाला है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, यदि आप ITI पास आउट कर रखे हैं तो आप जो है अपना अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए दोस्तों। जो रजिस्ट्रेशन करने की लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप जो है वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन जो है जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आगे देखते हैं, अप्लाई थ्रू NCL ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अस मेंशन ऑन NCL वेबसाइट। तो दोस्तों इसमें जो है आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको NCL की वेबसाइट से जो है अपना जो अप्लाई करने की प्रोसेस जो है जारी करनी है। तो दोस्तों इसमें और देख लेते हैं, तो अप्लाई करने की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, ओनली ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं दोस्तों वही आपका एक्सेप्टेड इसमें किया जाएगा। बिफोर अप्लाइंग, दोस्तों अप्लाई करने के पहले कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव एन एक्टिव मेल ID एंड फ़ोन नंबर। दोस्तों जो आप अप्लाई करते समय जो अपना मेल ID और फ़ोन नंबर डालोगे दोस्तों वो वैलिड होना चाहिए, चालू होना चाहिए दोस्तों, एक्टिव होना चाहिए दोस्तों, बंद नहीं होना चाहिए। विच मस्ट बी वैलिड फॉर एट लीस्ट 3 ईयर एंड कीप स्कैन एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर अपलोडिंग ऑन द पोर्टल। दोस्तों आपके जो पोर्टल पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपने मार्कशीट वगैरह फ़ोटो वगैरह जो आधार कार्ड वगैरह आप अपलोड करोगे दोस्तों वो सारे रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए दोस्तों। और इसमें दिया गया है दोस्तों आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो रिसेंट कलर साइड फोटो जो है आपकी अपलोड करनी है दोस्तों, नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, आपकी 6 मंथ से जो है आपकी जो है फ़ोटो पुरानी नहीं होना चाहिए। सेल्फ सिग्नेचर दोस्तों आपके खुद के सिग्नेचर, पेरेंट्स एंड गार्जियन सिग्नेचर, ITI मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और दोस्तों आपका जो कार्ड सर्टिफिकेट है दोस्तों, और इसमें जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो दोस्तों ये सब जो है आपको अप्लाई करने के लिए दोस्तों इसमें जो है अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से जो है आपको इसमें अप्लाई करना है। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेज रहने वाली है वो सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर जो है अपना रजिस्ट्रेशन पहले करना है दोस्तों। उसके बाद जो है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल बाय कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन कैंडिडेट प्रोफाइल थ्रू अपलोडिंग ऑल द रिलेटिव क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स। नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर। आप दोस्तों जब अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर अपलोड कर लेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है प्रोवाइड होगा दोस्तों, वो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सेव करके रखना है। आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट NCL बाय सर्च एस्टेब्लिशमेंट नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन ऑन। दोस्तों आपको जो है पूरी प्रोसेस दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पोर्टल से अप्रेंटिसशिप पोर्टल से प्राप्त होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने पास रखना है दोस्तों। और इसमें जो संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एस्टेब्लिशमेंट सर्च करके उसमें एक ऑप्शन आएगा दोस्तों, उसमें जो है आपको एस्टेब्लिशमेंट का जो नंबर है ये वाला मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें ये जो है E01162300007। तो दोस्तों ये जो है संस्था का रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट जो है आपकी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको एस्टेब्लिशमेंट सर्च करके एक ऑप्शन आता है दोस्तों, वहाँ पे आप इसको जो है दोस्तों सर्च करेंगे और दोस्तों इस जो है ऑप्शन पर जाके आप वहाँ से जो है अपनी अप्लाई करेंगे दोस्तों पोस्ट के हिसाब से दोस्तों। तो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है संस्था का उसको जो है पोर्टल पर जाकर दोस्तों वहाँ पे जो है कॉपी करके उसमें पेस्ट करना है दोस्तों, और अपने जो स्टेबलाइजमेंट देख कर और वहाँ से दोस्तों अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको इसमें जाकर अप्लाई करना है दोस्तों। और दोस्तों आगे जो है सेकंड जो प्रोसेस है, विजिट NCL वेबसाइट दोस्तों एंड क्लिक ऑन ऑनलाइन रिक्वायरमेंट अंडर करियर टैब एंड देन क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड फॉर NCL ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2021-22। दोस्तों ये दोनों प्रोसेस करने के बाद जो है आपको अगली प्रोसेस
NCL की साइट पर जाना है, वहाँ से जो है करियर में आपको जाके और NCL की जो दोस्तों ऑफिशियल साइट है वहाँ से जो जब लिंक एक्टिवेट होगी दोस्तों तो वहाँ से जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। दोस्तों पहले मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने दोस्तों नोट करना है अपना, और उसके बाद दोस्तों जिसमें जो वहाँ पर जो एक ऑप्शन आता है एस्टेब्लिशमेंट सर्च, तो दोस्तों वहाँ से आप जाकर जो एस्टेब्लिशमेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सर्च करोगे और अपना वहाँ से फॉर्म अप्लाई करोगे, आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब। और दोस्तों वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको फिर दोबारा NCL की साइट पर आना है, वहाँ से करियर में जाकर जो है आपको NCL का पूरा फॉर्म जो है आपको इसमें फिल करना है। तो दोस्तों मैंने बताया था 3 स्टेप में जो है इसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। दोस्तों द लिंक विल बी ओपन एन ऑनलाइन विंडो फॉर एप्लीकेशन एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑल अदर दोस्तों जो है रिक्वायर्ड डिटेल्स अलॉन्ग विथ द रजिस्ट्रेशन नंबर अस प्रोवाइडेड बाय जो है अप्रेंटिसशिप। दोस्तों इसमें क्लियर बता वही सब बताया गया है कि आपको जो है वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड होगा दोस्तों, और वो दोस्तों वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जब भी प्रोवाइड होगा तब वहाँ से आप दोस्तों अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको दो जगह से अप्लाई करना है, एक दोस्तों अप्रेंटिसशिप पोर्टल वाली साइट से दोस्तों और एक जो है आपको NCL की ऑफिशियल साइट से दोस्तों जो है इसमें फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों यही था इसमें दोस्तों जो ज़रूरी था आपको शेयर करने का, और कुछ देख लेता हूँ अगर इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। बाकी जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया था कि जो आपकी अप्रेंटिसशिप है वो 1960 एक्ट के तहत जो है भारत सरकार द्वारा कि दोस्तों ITI वाले स्टूडेंट्स को दोस्तों कराई जाती है। तो ये सब दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। आपका जो कैलकुलेट डेट जो है वो 13 जुलाई 2021, मतलब 30 जुलाई से आपका जो है एज का कैलकुलेट जो है किया जाएगा। इसमें मिनिमम एज जो है आपकी 16 साल और मैक्सिमम एज जो है आपकी 24 साल होना चाहिए। इसमें अगर डेट के दोस्तों अब मैं बता दे रहा हूँ आपको NCL का दोस्तों ओपनिंग डेट क्या है। तो दोस्तों NCL का जो फॉर्म फिल होगा दोस्तों वो 10 जून 2021 से जो आपको फॉर्म जो है अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है वो दोस्तों, अगर लास्ट डेट की बात करूँ तो 9 जुलाई 2021 जो है 9/7/2021 5 PM मतलब शाम को 5 बजे जो है इसकी लास्ट डेट है दोस्तों अप्लाई करने की। तो दोस्तों 10 जून से जो है NCL का फॉर्म अप्लाई करना दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप वहां से फॉर्म जो है अप्लाई कर लीजिए, और दोस्तों और अप्रेंटिसशिप पोर्टल की जो रजिस्ट्रेशन आपको जो करने का बताया गया है दोस्तों उसकी लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से ईजिली जो है जाकर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख लीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप जो भी है दोस्तों आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में जो है दोस्तों लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों इसमें दिया गया है एनी क्वायरी या हेल्प इन फिलिंग इन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट ऑन एनी वर्किंग डेज बिटवीन 11 जो दोस्तों इसमें क्लियर बताया गया है कि आपको अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम है या दोस्तों आपको कोई भी क्वायरी के दोस्तों आपको क्लियर करनी है आपकी, तो ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर NCL सिंगरौली मध्य प्रदेश, तो दोस्तों इसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी दिया गया है दोस्तों, आप उनसे जो है अपना कुछ भी दोस्तों क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी वैकेंसी, NCL ने काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली ITI वालों के लिए, लगभग 1500 पदों पर दोस्तों जो है अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकली है। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने इस आपको वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया है दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी स्टूडेंट्स इस पर नया आया है दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।